जबलपुर में सिंधिया पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, भरी सभा में उड़ाई धज्जियां, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बताते चले, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी ने देश का दिल कह जाने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में एक महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां चुनावी वादों की झड़ी लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। उनके निशाने पर वो भी रहे जिनके लिए 5 साल पहले उन्होंने वोट मांगा था, मगर अब पाला बदल चुका है। मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास के बाद साल 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार को मात्र 15 महीने में सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसमें उनके अपनों ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था। आज जब प्रियंका गांधी जबलपुर में मंच से संबोधित कर रही थी, तब वो इसका जिक्र किए बिना न रह पाई। उन्होंने नाम ना लेते हुए इशारों में कांग्रेस से भाजपाई बने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप के विधायकों पर निशाना साधा। बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, मगर जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना ली। इसके बाद उन्होंने सिंधिया और उनके कैंप के नेताओं की ओर संकेत करते हुए कहा, कुछ नेता हमारे भी ऐसे थे जो छोड़कर चले गए, उन्हें इसके लिए पैसा मिला। आप क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए इस बयान पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।